हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज जब बनाने जा रही है मम्मी गाजर का हलवा, तो सबसे पहले गाजर को उन्होंने ऐसे कद्दूकस कर लिया, फिर इसके बाद उसको कढ़ाई पे रख करके उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करी है। अगर आप लोग कम चीनी खाते हैं तो आप लोग उसमें कम ऐड कर सकते हैं। आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी क्वान्टिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अब चीनी को थोड़ी देर मेल्ट होने देंगे। अगर चीनी जब तक पिघल रही है तब तक हम खोया बना लेते हैं। खोया रेडी हो गया है, अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। आप लोग चाहें तो उसमें इलायची वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में कोई इलायची नहीं खाता, किसी को पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ काजू बादाम अखरोट ही डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी आपको जो जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करके तो बताते ही नहीं है कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। अगर आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी चाहिए तो मैं उस पर ही फिर वीडियो बना दूँगी। किसी का कोई कमेंट नहीं आता है। अभी तो ये इसको काटने में इतना टाइम लग रहा है, मैं तो बहुत आलसी हूँ, उससे तो किसी भी काम में मन ही नहीं लगता मेरा। जिस काम में टाइम लगता है मेरा मन ही नहीं करता काम करने। लेकिन मम्मी का डर है ना, खौफ है ना, इसीलिए करना पड़ता है। मम्मी भी कुटाई पिटाई कर देंगे। खाने के लिए सब चले आते हैं, काम के लिए कोई नहीं आता। सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं मैंने। अब मैं इसके बाद में इसको घी में हल्का हल्का सा रोस्ट करूँगी। कुछ लोग ऐसे भी डालते हैं लेकिन मुझे ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने के बाद अच्छा लगता है, इसलिए मेरे यहाँ पे रोस्ट करके डालते हैं। आप लोगों को जैसे भी अच्छा लगता है आप लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, लगता है मैं इसको एडिट करना भूल गई। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। फाइनली ड्राई फ्रूट्स कट गए हैं। अब इसमें डालेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जैसे हम ऑयल को गर्म करते हैं जैसे धुआं निकलने लगता है, घी को हल्का ही गर्म करना है। घी में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, इसको रोस्ट करेंगे। ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के, देखें आप ये थोड़े से ब्राउन होने लग गए हैं। ये अच्छे से ब्राउन हो गया, इसको मिटा लेंगे। ये देखिए जो गाजर हमने रखी थी चीनी के साथ में डाल करके, उसका सारा पानी सूख गया है। अब इसमें डालेंगे खोया। अभी मुझसे बहुत लोग कमेंट करेंगे खोया बहुत कम था। हाँ भाई, हमारे यहाँ इतना ही था इसलिए हमने इतना ही डाला है। अगर आपके यहाँ खोया ज़्यादा हो तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दो दो कंचली से मिला रहे हैं, एक से मम्मी एक से मैं भी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, पीछे कैसे रह सकते। लेकिन इसके पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि जल्दी से मुझे खाने को दे दिया। काम कराने का कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। अब इसमें मिला देंगे ड्राई फ्रूट, फिर इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, बस एक मिनट और इसको पकने देंगे, फिर बंद कर देंगे गैस, और फिर हलवा खाने के लिए तैयार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।